जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। चलिए तेज रफ्तार के साथ दिखाते हैं आपको सुपरफास्ट खबरें। पीएम मोदी ने देश की जनता के साथ की मन की बात, बोले देश के सामर्थ्य में जगा नया विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में यूनिकॉर्न की बढ़ती संख्या पर जताई खुशी, बोले इसी महीने की 5 तारीख को 100 तक पहुंच गई देश में यूनिकॉर्न की संख्या। पीएम मोदी ने कहा योग कार्यक्रम के लिए 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू, देश में मुख्यतः 5 जगहों पर होगा भव्य आयोजन, वह तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखने की कही बात। होगी इस बार के योग दिवस की थीम, पीएम ने कहा योग करने के लिए पूरी दुनिया तैयार। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत पीएम मोदी जारी करेंगे लाभ, कोरोना महामारी के चलते अनाथ हुए छात्रों को देंगे छात्रवृत्ति। अनाथ छात्रों को पीएम मोदी की बंपर सौगात, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बच्चों को सौंपी जाएगी हेल्थ कार्ड की पासबुक। जानकारी के मुताबिक किस्तों में दिए जाएंगे छात्रों को दिए जाने वाले 10 लाख रुपए, योजना के तहत सीधे छात्रों के खातों में डाली जाएगी धनराशि। 18 साल की आयु होने पर लाभार्थी बच्चे के नाम पर किया जाएगा निवेश, वहीं 23 साल की उम्र तक बच्चों को अपना खर्च चलाने के लिए हर महीने दी जाएगी निर्धारित रकम। यूपी के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक का दूसरा दिन आज, देश भर से उमड़े हजारों इस्लामिक धर्मगुरु। सम्मेलन के पहले दिन भावुक हुए मौलाना महमूद मदनी, बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना, बोले देश भर में सजाया जा रहा है नफरत का बाजार। मदनी बोले हमारे ही मुल्क में हमें बना दिया गया अजनबी, रहा चलना किया दूबर, साथ ही कहा प्यार से जीतनी होगी नफरत। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लाया गया प्रस्ताव, का किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। देवबंद के ईदगाह में आयोजित किया गया था जलसा, मुस्लिम धर्मगुरुओं के कॉन्फ्रेंस में तमाम इमाम मौलाना और मुस्लिम बुद्धिजीवी हुए शामिल। मदनी के भावुक होने पर बीजेपी का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी और मोहसिन रजानी का घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं मदनी। मदनी के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बोला हमला का फैलाया जा रहा है भ्रम का भौकाल, वहीं डिप्टी सीएम ने कहा सभी के लिए काम करती है बीजेपी सरकार। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का वीडियो और तस्वीरें 30 मई को हो सकती हैं जारी, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सौंपा जा सकता है वीडियो। अंजुमन इंतजामिया ने कोर्ट से की अपील, सर्वे और अंदर की तस्वीर ना जारी करने का किया आग्रह, वैदिक सनातन संस्था ने भी किया वीडियो सौंपने का विरोध। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में एक और याचिका की गई दायर, मस्जिद परिसर में यथास्थिति के लिए कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। पूजा स्थल कानून 1991 के खिलाफ तेज हुई कानूनी लड़ाई, एक हफ्ते के भीतर 4 याचिकाएं की गई दाखिल, सुप्रीम कोर्ट में कुल 7 अर्जियों से कानून को दी गई चुनौती। मस्जिदों के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, 2 वकीलों ने रखी मांग, देश भर की मस्जिदों का एएसआई से कराया जाए सर्वे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हिस्सा। कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद, पार्टी की आगे की रणनीति और 2024 के रण को साधने पर हुई चर्चा। राणा दंपति की फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर पढ़ी हनुमान चालीसा।
रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन, पुलिस ने कही कार्रवाई की बात। अगले हफ्ते भारत आएगा पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल, दोनों देशों के बीच पानी के मुद्दे सुलझाने पर होगी चर्चा। फिर चर्चा में आया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं पर लगा यौन शोषण का आरोप, पीड़िता के मुताबिक जेएनयू परिसर में किया गया शोषण। यौन शोषण को लेकर कंसर्न विमेन ऑफ जेएनयू ने जारी किया बयान, कहा आरोपी ने पीड़िता के साथ की बदसलूकी, साथ ही की पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के राजबाग में सुरक्षा बलों ने मार गिराया ड्रोन, हेक्साकॉप्टर से जुड़े पेलोड से बरामद हुई कई घातक सामान। एसएसपी के मुताबिक 7 यूबीजीएल और 7 मैग्नेटिक बम जैसी चीजें हुई बरामद, वहीं जांच के बाद हथियारों की क्षमता के बारे में पता चलने की कही बात। हिमालय के निचले हिस्से में देखा गया तारा एयरलाइंस का लापता विमान, मुस्टांग इलाके के कोवान गांव में मिला दुर्घटनाग्रस्त विमान। नेपाल में तारा एयरलाइंस का विमान हुआ था लापता, सुबह 9:55 पर उड़ान भरने के बाद टूटा था एटीएस से संपर्क। लापता हुए विमान में सवार थे 4 भारतीय, 3 जापानी नेपाली नागरिक और एक क्रू मेंबर भी थे शामिल। नेपाली गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फदेन्द्र मणि पोखरेल ने दी जानकारी, विमान में सवार यात्रियों की तलाश जारी। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने जारी किया आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, लापता विमान के संबंध में ट्वीट कर दी जानकारी, कहा लापता लोगों के परिवार के संपर्क में है दूतावास। केरल में सामान्य से 3 दिन पहले आया मानसून, केरल के बाद अब तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र की ओर बढ़ेगी मानसून का सिस्टम। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आया मानसून, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान आसानी के प्रभाव से समय से पहले ही केरल पहुंचा मानसून। दुनिया में अब तक करीब 53,03,00,000 से ज्यादा हुए कोरोना के केस, करीब 50 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 63,00,000 के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,828 मरीज, 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस, वही 14 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4,31,00,000 से ज्यादा कोरोना के केस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक, वही मौतों का आंकड़ा 5,00,000 के पार। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में मिले करीब 442 मरीज, कुल मामले 19,00,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 1700 से ऊपर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 529 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 78,00,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 2,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 38 नए मामले, कुल मामले 20,00,000 के पार, 19,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक, वही मौतों का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले 134 नए केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20,00,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 800 से ज्यादा, वही मौतों का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार से कोरोना हो रहा गायब, 24 घंटे में मिले केवल 4 मरीज, कुल मामले 8,00,000 के पार, वही मौतों का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले कोरोना के 227 नए केस, कुल मामले 10,00,000 से ज्यादा, 1,000 से ज्यादा एक्टिव केस, वही मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 10 नए केस, कुल मामले 2,00,000 के पार, वहीं एक्टिव केसों की संख्या हुई 45। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 193 करोड़ के पार। हरियाणा में रैलियों का सुपर संडे, बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली, सिरसा में सीएम मनोहर लाल, फतेहाबाद में पूर्व सीएम हुड्डा, तो कुरुक्षेत्र में आपकी अब बदलेगा हरियाणा रैली।
हरियाणा में आज रैलियों का सुपर संडे। सिरसा में सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली, करोड़ों की विकास परियोजनाओं का सीएम ने किया उद्घाटन। रैली में पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज रहे मौजूद। पूरे प्रदेश की खुशहाली मेरी जिम्मेदारी, सिरसा के ओडा गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणाएं की। वहीं 576 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। सीएम मनोहर लाल ने जनता का किया धन्यवाद, कांग्रेस और आपकी रैलियों पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश की दूसरी रैलियां हमारी रैली से आई आधी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने किसी भी वर्ग के साथ नहीं किया भेदभाव, हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया। सीएम ने कहा, हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, 3 साल में 100 से ज्यादा सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं छात्राओं के लिए बेहतर परिवहन सुविधा दिलवाई। फतेहाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान समेत पार्टी के कई बड़े नेता मंच पर रहे मौजूद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों को किया संबोधित, सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, सरकार ने एक भी वादा नहीं किया पूरा, किसान खिलाड़ी मजदूर सभी परेशान, किसानों को खराब फसलों का मुआवजा भी नहीं दिया। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की बदलेगा हरियाणा रैली का आयोजन, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने निकाय चुनाव से पहले भरी हुंकार। केजरीवाल ने कहा, हरियाणा में आने वाला है तूफान, तूफान से घबराने की जरूरत नहीं, मैं सीधा साधा छोरा हूं। स्कूलों को लेकर केजरीवाल ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, हरियाणा में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल, एक मौका दो हरियाणा के सारे स्कूल बदल दूंगा। नौकरियों को लेकर केजरीवाल ने सीएम मनोहर लाल पर बोला हमला। कहा, सीएम मनोहर लाल ने कितनी नौकरियां दी, दिल्ली में हमने 12 लाख नौकरियां दी। हिसार के जीजेयू में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक, सीएम मनोहर लाल, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और शिक्षा मंत्री सहित प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बैठक में लिया हिस्सा। कैथल में हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग, निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर हुई चर्चा। मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा, बीजेपी और जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, बीजेपी लगातार पीछे भी करती आ रही है रैलियां, सीएम विकास कार्यों की कर रहे घोषणा। लोहारू में कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बिश्नोई समाज द्वारा बनाए गए गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर का किया उद्घाटन, लोगों ने कृषि मंत्री का किया जोरदार स्वागत। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भालकी माजरा बनने वाले एम्स से लेकर जनता टीवी से की खास बातचीत। का विपक्ष एम्स को लेकर लेना चाहता था श्रेय, विपक्ष को पता था एम्स का होगा निर्माण। सहकारिता मंत्री ने कहा, मनोहर सरकार ने पिछले 7 वर्षों में बिना भेदभाव के कराया विकास कार्य, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर में भी बहुमुखी विकास हुआ। सोनीपत में बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा का बयान, मुख्यमंत्री के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, सीएम सरकार में मेरी हिस्सेदारी नहीं मानते, मैं सीएम होता तो जमीन संस्थान के नाम होती। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में बस इतना ही, नमस्कार।